जनाब किबला हाजी मजर हुसैन अल हुसैनी प्रिंसिपल मदरसा बातुल उलूम मुख्ता फरमाएंगे। एक बार बानों को मंत्र करें और वंश पादवास से नारे सलवा ठीक बड़ा या वली उल आसर इमाम जमान अलैहिस्सलात वस्सलाम साड़ी नौकरी हाजरी अपनी बारगाह च मंजूर कबूल करो। सब आबाब नू अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिरादरे मोहतरम सैयद दुल्फकार शाह साहब दी अहलिया मोहतरमा अहलिया मोहतरमा दे दरजात बाबे बशीर हुसैन शाह साहब और इस खानदान के जुमला मरहूमीन वास्ते अपने अपने मरहूमीन नू भी शामिल दुआ करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير رب صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد सलवात खान वादा ए तहीर। आगाज़े मजलस है दुआ है खुदावंद आलम बहक़े चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम तुस तमाम आबाब दा इस मजलस तरहीम च इस मजलस पाक च इस जिक्र खैर च इस इश्क दी नमाज च इस असूल दी नमाज इस सैले जिक्र दे जिक्र कुरान दे वारसा दे जिक्र अनडिठे अल्लाह दी पहचान करवान वाली हस्तियां दे जिक्र रासिखूना फिल इल्म हस्तियां दे जिक्र वयुताहिरकुम तहीरा दी मिसदाक हस्तियां दे जिक्र उन हस्तियां दे जिक्र जिन्हां हस्तियां ने सजदा कीता ते अल्लाह मस्जूद बन गया जिन्हां हस्तियां इबादत कीती ते अल्लाह माबूद बन गया जिन्हां हस्तियां नूं अल्लाह ने अपनी मशीयत दे तहत अपने नूर दे नाल मुजय्यन फरमा के अपनी किबरियाई और अपने खालिक होण दा ऐलान फरमाया जिन्हां हस्तियां दी मुहब्बत च अल्लाह ने तुहाडी ते मेरी इंसाना आली शक्ल बनाई जिन्हां हस्तियां नूं इह जुमला भी काबिले गौर है जिन्हां हस्तियां नूं खुदावंद आलम ने हादीए कामिल बना के इस कायनात च भेज के इस बेहदायती मखलूक वास्ते हिदायत दे असबाब पैदा होए। दोस्तों कुरान मजीद की आयत की रोशनी जुमला है कि जिन्हें हस्तियों के पहले जाकिर का नाम अल्लाह है कसीदे का नाम कुरान खालिक मालिक इबादत शुमार फरमा शाह साहब के जुमला मरहूमीन के मालिक दर्जात बुलंद फरमा उन्होंने कब्रां नूं खुदावंद आलम पाका दी पाक विलायत के नूर के नाल मुनवर फरमा तमाम मोमिनीन मरहूमीन नूं मालिक बरोज़े मैशर शफाअत मुहम्मद वाले बैत मुहम्मद नसीब फरमावे तुहाडे मरहूमीन दे दर्जात भी बुलंद होवे मेरे मरहूमीन दे दर्जात भी बुलंद होवे अल्लाह तुहाडे परदे सलामत रखे ये जिक्र पाक अल्लाह सईदा दियां तुहाडियां मेरियां नस्लां च मुंतकिल फरमावे खुदावंद आलम साडे मुल्क दी हिफाजत फरमावे वो बच्चे जेडे रोज़गार वास्ते अपने वतन नूं छड के समुंदर दी नज़र हो गए अगर उन्हां विच्चों कोई महफूज है तो उन्हां दी इतला अपने वालदैन नूं पहुँचे उन्हां विच्चों साढ़े भी अजीजान लाले मूसे तू जवान साल बच्चे ये दुनियादारी कैसी अजीब सूरत हाल है साढ़े मुल्क दे ऐसे हालात पैदा कर दिते ने हुक्मराना ने कि जवान बच्चे मुल्क चो भज के नसना चाहते जेडे दुनिया तो चले गए मालिक उन्होंने वालदैन सबरी जमीलता औखी मंजिल जे खुदा की कसम
ये उस माँ को पूछना जिसका पुत्र रुड़ गया, उस बहन को पूछ जिसका विराह समुद्र दी लहर की नज़र हो गई। ये गदड़ी रसूल के पुत्र इमाम हुसैन ही चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। अल्लाह उन्होंने हौसला देवे ते जेड़े बच्चे नहीं मिल रहे अगर वह जिंदा ते इस जिक्र का सदका अपने वालदैन नूं मिले, मालिक उन्हां दी मंजिलां आसान फरमा दे, मालिक साड़ियां दुआई कबूल फरमा दे। खुदावंद आलम इस कायनात दे हकीकी नाज़िमुल अमूर इमाम दा ज़हूर होवे, साड़ियां अखियां अपने वक्त दे इमाम की ज़ियारत तों मुशर्रफ होवन। एक मिल के सलवात पढ़ो खान वादे तहरीर। बाद कुछ गल्लां फिर माहौल नूं सामने रख के भी करनियां पौंदियां। गुलाम अली इब्तदा विच मजलिस भी पढ़नी थोड़ी जी मुश्किल इस वास्ते होंदी है भी ज़हनां दे लोगों के ज़हन तकसीम होए होंदे ने। एक याद मसलन मजमा पिछे बैठा है, कुछ उत्थे बैठा है, कोई इत्थे बैठा है, ये तो मैं नहीं आता भी तुसी अगले पिछे टुर जाओ तो पिछले अगह आ जाओ। जिथे भी बैठे हो तुसी मैनू ज़हन दिओ तो मैं गल करा। गुलची मेरे अशआर के गुल चुनते हैं, सुभान अल्लाह। तुसें आखनी है मैं नाल बंदे कोई नहीं रखे भी जिन्हें अगू वाह वाह करनी है तो मेरी फिर मजलस लगनी है ना, उस चक्कर च भी नहीं। गुल ची ये फारसी का लफ्ज़ है, यदा मन है फुल चुनने वाले, गुल फुल आते ची चुनीदन मस्तर चुनन वाले आते। गुल ची मेरे अशआर के गुल चुनते हैं, सुन सुन के बसद शौक वो सर धुनते हैं, जब मजमाए कम से होता हूँ परेशान, फरमाते हैं शब्बीर के हम सुनते पानी। यानी जाकिर नूं पढ़न वाले नूं इस यकीन की बुनियाद पर गुलाम अली पढ़ना चाहिए है कि इस जिक्र विच पाक हस्तियां तशरीफ फरमा होती हैं। मैं मिसाल दे के तुम्हें समझा देना, खुदा ना करे, खुदा ना करे किसी का बेटा बच्चा बंदा फौत हो जाए ना, तो फिर दोस्त आप आप फातिया वास्ते आते हैं, तो उस मरण वाले का वारस मजीद ना बैठा हुए फातिया से, तो हाथ को नहीं खड़ा करता। मुहम्मद मुस्तफा से उनकी औलाद मजलिस में आती नहीं तो असं फिर पढ़ते कि नहीं करते हैं। तो अर्ज किया कि सोच मत देर न कर, गुलाम अली ने मैं दी है दाद, तो गुलाम अली तू मैं दाद देनी है, दाद का मकसद ही देना। तो जो शहीदा तू सब कुछ नहीं देना तुम्हती हूँ तो पल्ले है कि मैं अर्ज कर रहा सोच मत देर न कर, मजलस से शब्बीर में आ। हाय हाय ये शिया की मजलस नहीं भी मजलस न शिया के खाते पा के ते तू ना आवे, ये उस हुसैन की मजलस है जेड़ा कभी ला इला इल्लल्लाह ते बह जाता कभी मुहम्मद रसूल अल्लाह ते बह जाता। नारा हैदरी। अर्ज किया सोच मत देर न कर, मजलस से शब्बीर में आ, ताकि हतमन तुझे जहरा की दुआ मिल जाए। फातिमा कहते हैं उस साहेबतुल इस्मत को, अरे जिसकी चादर से मोहम्मद को शिफा मिल जाए। बहुत मेहरबानी जनाब, खुश रहो सलामत रहो। बड़े अरसे तो बाद मैं आज फिर किसी इतने खुतबा पढ़ने लगा। एक दो साल पहले मैं भाई इफ्तखार शाह और इशान त्रै चक वाले उन्हें के शुमारी वाले खुतबा सुना, अज वो कोई नहीं तो भी मैं खुतबा उन्होंने सुनाऊँगा तो तुम भी सुनाऊँगा। तुसी पढ़ो ने एक बारी खानवादा है तहीर ते सलवात। अच्छा एक चीज़ जड़ी है ना वो मैं तुम्हें दस दे भी गर्मी वाकई है, हूँ बंदा आखे भी हाड़ भी हो गर्मी भी ना हो, महीने के बंदे आके शाह जी गर्मी बड़ी, मैं कि जे तो ना मुई महीना पो दा तो मुड़ ते अल्लाह नाल गल करने पर पो भी गर्मी क्यों बनाई, तो जो है ही हाड़ ते हाड़ भी ताड़ तो लगनी है ना, तो बाकी रह गई गल भी तुम ये समझो भी शुमारी वाले गर्मी नहीं लगती, लगती कसम रब की मैंने भी है, लेकिन मैं विलायत अली दे पखे जल के अपने आप भी ठंडक महसूस करा तुम भी करे जी। एक सलवात पढ़ो सरकार दे नाम तो लिहाजा पढ़ते पढ़ते हम 45 साल हो गए, बड़िया मजलसा लगियां तो कभी नहीं भी लगती। जाकर की मजलस ना लगे ना
कभी तुम वेखे हो मजलिस के जाकर के वाह वाह नहीं तो बंदा लगड़ा के टुर पुंजी इसी टुरते फिरते रहना तुस अपनी मजलिस लानी है मैं अपनी लानी मैं बोलता पाया मेरी लग गई तुस बोलना थोड़ी भी लग जाए तो मैं तुम्हें खुतबा सुनाना तो चौधरी अशरफ साहब बैठे हो एक सलवाद पढ़ो तो मैं खुतबा सुनाना أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات Alhamdulillah Rabbil Alameen As-salatu was-salamu ala Ashrafil Anbiya wal-mursaleen Salawat पानी पे पूछ दियो पानी में लिखता है हालात है भी पांच सात बंद के दरम्यान जग होना चाहिए जिसे दिल करे पानी पी ले बशरी तका देन वाला वसी यही वखलीफत ही नाम में ही और से इल्म ही इल्म लवली नवल्ला खरी नारा हैदरी अली अली से एडा सोना मेरे मुर्शिद अली का ना है ना अली अलैहि सलाम दा अशरफ जी नाम लवीए ते शरीफा नू दिल भी ठंड पैवे तो कमीनिया अग लग पैदी साढ़े अल्लाह का नाम भी अली है तो फिर अल्लाह ने साढ़े पीर का नाम भी अली रखे यार बिहादा सिकी वल कमरे मुतमल जिल मजी बैन लनाओ मिन अमरिकल खफी मादा ताओ इसमें जबी जवाब आया या अहले बैत मुस्तफ़ा नबी खुसिस तुम बिल वलद ज़की इस्मुहु मिन शामिखिन अली अली युनिश्तो का मिन अली नारा हैदरी ए हजरत अबू तालिब की दुआ है जनाब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब लौहे महफूज दे तहरीर कुनिंदा इमाम वली ए मुतलक लफ्ज़े कुंदा मालिक तहमल अली अपनी अख दी पलक दे नाल पूरी कायनात दे निज़ाम नु कंट्रोल करन वाला अली وكل شيء احسنه في امام مبين دمشق يعني كل ایمان ناطق قران مالك مرضی یزدان شاہ زمان خیبر چکن عمران دا چن شیعہ تے سنی دا پیر خیبر گیر تاثیر مصطفی تنویر مصطفی صاحب حلتا مشتاق نما یعنی علی المرتضی نعرہ حیدری पानी पा के उत्थे किसी अजीज नूं पियाओ तुसां मंगे पानी चलो जिस भाई पानी की लोड़ हुई ना पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की बोला अगर सामने आ मैं तू इधर आ अगे आ असलम इधर अगे आ ओए अगे आ असलम अगे आ जा तेरे नाल हुण मेरी सुनी कोई नहीं ये पुराना मेरा संगीत मौला जिंदगी करे पुत्रां दी जिंदगी होने सुनना जनाब सतारा रजब नू जनाब हजरत अबू तालिब ने अली जैसे बेटे नू जिदा पुत्र अली होवे उहदे ईमान ते शक नहीं करीदा जिदा पुत्र ही कुले ईमान होवे जनाब अमीर अल मोमिनीन नू हजरत अबू तालिब कलीद बरदारे कहबा मुरब्बी रसूल अब्बुल आइमा निकाह खाने रसूल कलमा नहीं होता तो निकाह होता पढ़ाए जिसका कलमा पढ़े
नारा लाओ जी, नारा हैदरी। हजरत अबू तालिब ने जनाब अमीर अल मोमिनीन नाज़िम मेंबर साहब हथ ते चाया ते दुआ मंगी, या रब हाजा का सिकिद जी वल कमरे मुतबल जिल मजी बैयन लना मिन अमरिकल खफी। हाँ ऐ हदेरी रात के रब, ऐ चमकते हुए चांद के रब, तू मुझे अपने मख्फी राजों में से एक राज तो बता, इस बच्चे का नाम तूने क्या रखा है। हजरत अबू तालिब अल्लाह को अपने पुत्र का नाम पूछया, दो रवायत, एक रवायत भी सरकार दे हाथ उत्ते चिट्ठी आई, एक रवायत जो आवाज़ आई या अहले बैत मुस्तफा नबी खुसिस तुम बिल वलद ज़की इस्महु मिन शामखिन अली अली युनिश्तो कमिन अल अली। ए अबू तालिब, मैंने तुम्हें एक ज़की बच्चा अता किया है जो तज़किया नफ्स करता है, खुद भी पाक करता है, जो खुद भी पाक है जेड़ा ओदे नेड़े लगे उसनु भी पाक कर छोड़ेंदा है। या अहले बैत मुस्तफा नबी खुसिस तुम बिल वलद ज़की इस्महु मिन शामखिन अली। अल्लाह फरमाए, इसका नाम मैंने बुलंदियों में अली रखा है, और मुल्ला अली बुलंदियों चु मिलता है, पस्तियों चु नहीं मिलता है। इस्महु मिन शामखिन अली, इसका नाम मैंने बुलंदियों में अली रखा है। मेरे अल्लाह एडा सोना है ना, किसी नबी का भी नहीं, एक की दोली आई। अल्लाह फरमाया, अली यो निश्तो कमिन अली, अली नाम मैंने अपने नाम अली से लिया है, ये भी अली है, मैं भी अली हूँ, ये भी वली है, मैं भी वली हूँ। यो वजह है जो अल्लाह ने साडे पीर का नाम अली रखा है, इहदा मतलब है साडे अल्लाह का नाम भी अली ते साडे पीर का नाम भी अली। होर कुछ भी ना करे, एक मोमिन एक दिन दो बारी अली अली करे, दो वे अली राजी। अल्लाह इस वास्ते राजी जो मेरे वली दा नाम ले रहा है, अली इस वास्ते राजी जो मेरे खुदा दा नाम ले रहा है। नारा हैदरी। ए अली अली करना बहुत बड़ी इबादत है, और ये ना समझे भी कोलो पढ़ी आंदा है। अल्लाह खुद फरमाए अली अली करो, अगर मेरा कोई सुन्नी भाई बैठे तो मैं अर्ज कर देना भाई अली अली करना किथे लिखिया है। सूरह मायदा अल्लाह फरमा रहे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वज़कुरू नेमत अल्लाही अलैकुम मीसाकुल लज़ी वसअकुकुम बिही। अल्लाह फरमा रहे, और मेरी नेमत का जिक्र करो जो मैं अल्लाह ने तुमको अता किया है। सहाबी रसूल हजरत जाबर इबन अब्दुल्ला अंसारी मेरे पंजवें इमाम नु पैदे, अल्लाह कुरान में फरमाया मेरी नेमत का जिक्र करो। मौला फरमाया, बेशक उसे कहीं नेमत का जिक्र देता करना है, ये पता लगे वो नेमत कौन है। फरमाया, हूँ मेरा दादा अली है। पंजवें इमाम फरमाया, अली अली करना हुक्म खुदा है। इस वक्त मैं चार मिसरे अर्ज कर रहा हूँ, अली अली शे अली अली शे। उदो बोलना जी जो मैं फालिया भी टप जावा। आपस घर दे जी बैठे हाँ, मेहरबानी कर सो जिमें मैं पढ़ना चाहना हूँ, जो सुन अर्ज किया है, अली अली शे दिलों को सरूर मिलता है। खुदा दी कसम इतने ठंड पै जाती जो मौला अली का नाम है, जिसन इतने ठंड ना पवे समझो दा शजरा ठीक ही नहीं। अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे अली की तय, अली अली से अली अली से अली अली से दिलों को सरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताला शऊर मिलता है, नसीब कैसे भी हो या अली मदद कह कर खुदा से जितना भी मांगो जरूर मिलता है। इसे बैरिच इसे वदनिच इसे रिदमिच गुलाम अली जी चार मिसरे होर गुजारिश कर देना, पहले मैं पढ़े अली अली से, हूँ मैं पढ़न लगा जनाब अली अली का। हाय हाय कैसा आज प्रोग्राम मेरा, कैसा मखत पढ़ रहे, अर्ज कीता है अली अली का अली अली का कोशिश पे करना, तो तुसी भी मुंह रुबाई वाला बना के बोलो। आज बड़ा जे मुंह नहीं बनया,
अर्ज कीता अली अली खा नदीम साहब अली अली खा हम दिलों में सरूर रखते हैं। फोटो बनानी मैंने पोजीशन ले लेने कमाल बड़े हो गए नहीं वो कई बार जाकर रुबाई पे पढ़ते हो तो मुँह खुल आते तो फोटो छिक लेंगे इनका जाकर कुछ है मंगता है। इस वास्ते हिफ्ज़े मा तकद्दम मैं अपनी पोजीशन नु बहाल कर रहे अली अली का अली अली तुम ही कुछ करूँ है अली अली का सदके ए दो कैमरे ये मेरे तो लग गए ये दो कैमरे मेरे ते मैं बोलता पिया ना यदा मतलब कम हो गया एक बार भी इमाम का कैमरा वो थोड़े तो लगा थोड़े तो केड़ा नहीं क्या बोलता है अली अली का उस कैमरे का भी ध्यान रखना जरा बारहवें का कैमरा है वो भी तुसा आना है तो इन्होंने मैं आ जाना आना मैं उद भी है बारवा खुद वेख लवेगा वो मेरे दादी अली दी रुबाई में कौन पे बोलता है तो कौन गुण वट्टा बन के बैठा है अली अली का असद वास भी आ गया है भाई जुल्फकार और भी आ गए दोवे प्यो पुत्र है एक मेरा भाई एक मेरा भतीजा असद का मन है शेर ते शेर होता जिड़ा अंदर होवे दलेर ते दलेर होता जिसका पीर होवे अली इब्ने अबी तालिब अली अली का जेडे अली नू नहीं मनते नबी नू छड़ के नस जाते ये सारे मनन वाले जनाब अर्ज कीता है अली अली ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਅਲੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ ਅਸਦ ਬਾਸ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ बहुत मेहरबानी इश्क दी नमाज आशकां दे मजमे च इश्क नाल पढ़नी भाई ना आउण दिओ अगे आउण दिओ कुर्सी उन्हां दी कोई नहीं लैंदी इत्थे आ जाओ अल्लाह पुत्रां दी जिंदगी करना मालक सेहत वाली जिंदगी अता कर एक सलवात पढ़ो सरकार दे नाम ते मौली साहब आओ तुहाडा इंतजार कर रहे चार मिसरे मैं शुरू कर दिते साढ़े अल्लाह का नाम भी अली है फिर अल्लाह ने साढ़े पीर का नाम भी अली रखे और ये वजह से वाजिब नमाज के बाद सजदा शुक्र अदा करनी बिस्मिल्लाह सजदा शुक्र ओदी हकीकत क्या है ओदी हसीयत क्या है वो जो तो नमाज पढ़ते हो मौली साहब आगे उन्होंने कोई पूछ लगे नमाज के बाद सजदा शुक्र अदा करने क्यों सजदा होता है शुक्र नेमत पर नेमत है मेरा मुर्शिद अली इब्ने अबी तालिब जिन्हें अली मिल गया नमाज पढ़ के दिन अल्लाह तेरा शुक्र है सानू अली जैसा पीर अता कीता तवज्जो करें अली अली का दिलों में सरूर रखते हैं आय हाय हाय ये दिल अल्लाह ने बनाई अली वास्ते हदीसे कुदसी अल्लाह फरमा रहे इन समाए लिल तौहीद वल बसरा लिल नबुवा वल फवादा लिल विलाया कन तौहीद वास्ते अखी नबुवत वास्ते दिल अली वास्ते इस दिल में अली होवे ते काबा है अगर दिल में अली ना होवे बंदा काबे दा तवाफ भी करे ते मुछला फकीरा दा नहीं बदन पे जामा एहराम दिल में बुग़्ज़ अली तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं बिजली चली गई है लेकिन मैं खलोता अली अली का अली अली का हाय हाय नारा हैदरी ये साड़ी कौम भी असद वास बोल दी उस वे जिस जाकर दा सिर बह जावे जे बिजली ना अपनी तो सिर तुहाडा भी भैं जा सी लेकिन रुबाई सुनो अली अली का दिलों में सरूर रखते हैं आय हाय हाय किबला जड़ी दी दूसरी सतर है ना
ओदे विच बड़े रमूज़ व असरार इन भाई जान मैं अर्ज कर रहा अली 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 का दिलों में सरूर रखते हैं अगरचे खाक हैं लेकिन ये नूर रखते हैं। हाय 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 खुद लुत्फ़ है अल्लाह अकबर। हाँ बोलो अली रुबाई मुकम्मल सुनो जनाब अर्ज कीता है अली अली खां दिलों में सरूर रखते हैं अगरचे जी जनरेटर वाले बंदे त्रै चार भज गए ना भजना भी बड़ा काम है पर किसी मासूम नु छोड़ के नहीं भजना जनरेटर वास्ते भजना है किसी मासूम नु छोड़ के भजन वाला बंदा ईमान तो खारज हो जाता है अली अली खा अली अली खा अली अली खा दिलों में सरूर रखते हैं अगरचे खाक हैं लेकिन ये नूर आखो रखते हैं अपनी मजलिस तुसी आप लाओ अली अली खा वाह भाई वाह पक्के भी चलन गए अली अली खा काम कोई है इस बच्चे को शाबा बच्चिया एक सलवात पढ़ो इंतजाम सारा है परेशान नहीं होना गर्मी नू आदे हरारत ते हरारत दे हरफ नू पांच तबीयत दे हरफ ही पांच नू पंजे नाल लगी हुई तो ठीक होंगी अली अली खा ये पांच उते एक जुमला पढ़ा तौहीद दे हरफ कितने तू बच्चे मेरी मदद कर तौहीद दे हरफ मुबालिज कितने चादर तथहीर दे तले कितने पंजा दी विलायत दे हरफ कितने विलायत दे इकरार दे हरफ इकरार दी वजह तो शहादत दे हरफ शहादत दा मायना जिंदगी दे हरफ पांच ते जिन्हां दी पंजां नाल जिंदगी उन्हां दे जनाजे दी तकबीरां पंज ते जिन्हां दे जनाजे दी तकबीरां पंज उन्हां दी कब्रें तलकीन दे हरफ पंज हाथ दी उंगलियां पंज पोटे 14 जमा करो पंज दंद 32 जमा करो पंज अल्लाह पैदा पंजां नूं मन के खाना ते हलाल ही छड़ के खाना ते हराम असद बास भाई रहने को न्याद नाप लें आज बिरा होते इसको कहते हैं हरकत में बरकत ओना हरकत की ते सानू बरकत पैगी वड्डे बिरान जनाब कोई ऐसी बात नहीं तुसी जज्बाती नहीं होना अली अली खा गुरबाई मैं पड़सा वह मैं जीवंदा भी रवा तो दाद भी हो जा मौला अली नू मनिया शाह जी सुख हैरान वास्ते ते जे मौला दी रुबाई पढ़ के बंदा मरन लग पे फायदा की है अली अली खा सदबास जी अली अली खा दिलों में सरूर रखते हैं अगरचे खाक हैं लेकिन ये नूर रखते हैं नतीजा कुछ भी हो मैशर में हम ये कह देंगे अली वो नाम है जिसका जरूर रखते हैं। अम्मा बाद फकत قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واستقل القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله صلوات قصیدہ میں پڑھنے لگا لیکن جدوں بھی میں قصیدہ پڑھا قرآن ناطک دا قصیدہ پڑھن تو پہلے قرآن صامت دی میں آیت پڑھنا किबला साहब मेरे छोटे भाई है मौला इन्हें जिंदगी करे मालिक इन्हों की मुहाफ़त फरमावे जिथे पैर होवे उत्थे खैर होवे सूरा मायदा भी अल्लाह फरमा रहा है मई यकफुर बिल ईमान फकद हाबेता आमलहू अल्लाह फरमाया जिसने ईमान का इनकार किया मैं अल्लाह उसके तमाम आमाल ज़ाया कर दूँ। गल बड़ी है काबिले गौर गर्मी बड़ी है तुसी अरबा नासर दी मखलूक हो तो प्लास्टिक दा मैं भी ना बने होया गर्मी शाह जी मैं भी लगती पई लेकिन मैं विलायत अली दा पखा ला के तुहानू ना ठंड महसूस होवे तो मैं फिर बोलना ये हुक्म है कहिंदा खुदा दा अल्लाह फरमा रहा जिसने
ایمان کا کفر کیا, تکفیر کی ایمان کی, جو کافر ہوا ایمان کا, جو منکر ہوا ایمان کا, جس نے انکار کیا, بولو بولو کدا, ایمان کا, فقد حابتا عملہو, میں اس کے اعمال ضائع کر دوں گا, حب تو میں نے ضائع کر دیں گے جی میں کچھ ہے جلا دیتی جائے. ہونے پتہ کرنا ہے ات چیزن دو, ایک پاسے ایمان ایک پاسے اعمال, اعمال محتاج ہیں ایمان دے. آئے تھوڑا دھیان کوئی نہیں, وہ خمس نو دے سکتے دھیان تو دیو. میں یکفر بالایمان فقد حابت عمل, جس نے ایمان کا انکار کیا. اللہ فرمائے ایمان دا منکر بن کے نماز نہ پڑھی, ضائع ہو جائے گی. ایمان دا انکار کر کے روزہ, یہ دا مطلب نماز روزہ حج زکات خمس جہاد تولا تبرا امر بالمعروف یہ سارے فروعات دین محتاج نو ایمان دے, ایمان دے محتاج نو. ایمان دا اقرار ہوئے پھر نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, خمس بھی ہے, جہاد ہر شے ہے اگر ایمان ہے. اچھا نماز الحمدللہ سارے نمازی بیٹھے ہو, مولوی بھی بیٹھے, کوئی قرآن ایسی ایت بکھا سکتے جہد اللہ فرمایا کہ کافرو نماز پڑھو, بولو تو غوث پاک دا واسطہ, اے حجیو نماز پڑھو. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز قائم کرو. ایمان دے وجود دا نام علی, اللہ فرماندا ہے اے علی والو نماز قائم کرو. اور کائنات وچ مولوی صاحب واحد ساڈا پیر ہے جس دا دعویٰ ہے. علی فرماندا نا سورج تین میں چڑھدیاں ویکھیا ہے, توں علی نو ستیاں نہیں ویکھیا. پیر دی اکھ لگے نہ مرید دی پٹیوے نہ دعویٰ محبت علی دا کیسا ہے. اللہ فرمایا جس نے ایمان کا انکار کیا, اٹھو بھی اتان کے مر سر کھکڑ لگ پوندے. اللہ فرما رہا کی جی مولوی صاحب بیٹھے پوچھ رہے سورہ مائدہ, جس نے ایمان کا, جو منکر ہوا ایمان کا, اللہ فرما رہے میں اس کے تمام اعمال ضائع کر. بولو 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 کچھ نہیں ہوتا, پرچہ ہوا تو میں جل سا پیر نواب جاگا, وہ ساڈا بتری ہے ماشاء اللہ بڑا ہوتا سیاسی کا ادھکار ہے. پرچہ علی علی کیتے ہیں پرچہ نہیں ہوتا, علی علی نہ کریے تو قیامت والے دن پرچہ ہو جانا جی. علی علی بھی تو نہ کریں تو جنت دی ہوراں دے متھے بھی لگ جائے, تو امرود بھی اتو کھا لوے من چھمو سانے چکانے امرود لے کے کھانے بھی علی نہ منیا. نعمتاں بھی صدقہ نعمت ولایت علی دا صدقہ. اللہ جو فرما رہے جس نے ایمان کا انکار کیا او دا کوئی عمل بھی میں قبول نہیں نہ کرنا. آؤ تم دسو ایمان کون ہے. ایمان بھی علی ہے دین انبیاء جو قرآن بھی علی, ایمان بھی علی ہے شان بھی علی ہے پڑھ دین انبیاء جو 12-14 منٹ رہ گئے جی اپنی اپنی مجلس بول لگے. بھتریہ نعیم عباس آئے پہ نوئے خان, دیکھو کتنی جلدی آئے زندگی ہوئے مالک انہاں دے والد دے بھائی فاضل دے درجات میں. شیر جناب دی نظر کرنا چاہنا سارے بولیا کرو, پاک نبی دا وے فرمانے ہے در کل دا کل ایمان مثلا کیویں بھائی مارا جل بحرین علیے تیب الحسنین علیے آئے ہائے تے ابو الحسنین او جی دے پتر ہی حسن تے حسین ہون جڑے جواناں نے جنت دے سردار نو علی تے علی دے پتراں دا مزیرا بن کے انہاں دا گھوڑا ڈک کے تو جنت تے چلے. پا
پاکا نال تعلق پیدا کر اس تعلق دی خوبصورت ترین شکل دا نام ہے مجلس حسین اے شیعہ دی مجلس نہیں اے اس حسین دی مجلس ہے جڑا کدی لا الہ الا اللہ تے بیٹھ جاندا کدی محمد رسول اللہ توجہ کرے اسلم جی شعر پیش کرنا چاہنا پاک نبی دا اے فرمان حیدر کل دا کل ایمان مثلا کیویں بھائی مارا جل بحرین علی سلطان بھی علی ہے خالق دا دو جہاں دے احسان بھی علی نعرہ حیدری ان میں سمجھ لے سچ نعرہ تو ایدی آپ لوا میں پیلا بندے ان پتہ لگے سید نعرے لے باندر آئے کیا بات ہے میں نہ مسلمان نانے دا کلمہ پڑھنا ہے تو نواسے دی مجلس چاہ امام حسین نو شیعہ دے کھاتے پا کے کوئی پیر سبادی لب گئی دعوت فکر دے رہے ہیں سید خرچے کر رہے ہیں سپیکر لگائے امام بارگاہ بنیے اہل ذکر دے ذکر چاہ اے اظہار مبدت فی القربا ہے دعوت فکر دے کے شیرت کریں آتے کو گال سناواں پتر نجم دیاں ایسے ماما کیسے کیویں بھائی حق دی تصویر علی لہ دی تحریر علی کتھے شیر گیا تے کتھے چھپ گیا نعرہ حیدری حق دی تصویر علی بیٹا زندگی ہوئے نعرہ حیدری لو جی پانچ شیر میں مولوی صاحب تھانوں اپنے ٹائم دے اندر کچھ چھ سات منٹ میرے رہ گئے بن دیوانا پنج تن دا ہی جنت دی جے لوڑے بن دیوانا پنج تن دا ہی جنت دی جے لوڑے بن دیوانا پنج تن دا ہی جنت نعرہ حیدری بن دیوانا پنج تن دا اسد باش کرو بھائی بزرگاں دی رو بھائی اے میں مولوی صاحب رو بھائی پڑھی کی ہویا ہے ٹھیک ہو گیا ہے اے میں قطر رو بھائی پڑھی تانوں یاد ہو سی عبد الحکیم پروفیسر صاحب اوناں میرے کول دو واری رو بھائی سنی ائی تہاڈا میں نہیں پتہ لوڑے بن دیوانا بن تن دا ہی جنت دی جے قطر وچ میں پڑھی بن دیوانا نعرہ حیدری جنت دی جنت دی
ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਆ ਚੁੱਕਵਾਂ ਜੀ ਦਰ ਸਾਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੁੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਵਾਰਾ ਈ ਦਰ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੁਲ ਹਮ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨੂਰ ਨਮਨੇ ਖਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜੱਲੀ ਮਾਦਾ ਬਚੜਾ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਯਦ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ੇਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੂਜੀ ਅਸਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਮਹਿਰਾਨ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸਭ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਜਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਪਿਓ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ 3.5 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਕਿਬਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਹੱਜਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੈਯਦ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੜਸੇ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਡੱਠੀ ਆਈ ਤਲੇ ਕੌਣ ਆਈ ਉਤੋਂ ਕੌਣ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰੀਜੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵੈਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤ੍ਰੀਜੀ ਹਸਤੀ ਸਕਦਾ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਾਜ਼ਲਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਜਨਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਕੁ ਗਈ ਏ ਤਖਤ ਦੀ ਵਾਰਸ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਬਹੁਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਵਾਰਸ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਬਹੁਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਖਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਮਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਨੀ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਦੋ ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਤੇ ਮਸਮੂਮ ਦਾ ਵੈਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੌਥੀ ਅਸਤੀ ਬਾਦ ਮਰਨ ਦੇ ਕਫਨ ਗੁਲਾਬੀ ਪਾਇਆ ਆਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਮਈਅਤ ਜੈਂਦਾ ਵਾਪਸ ਮਲ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਲ ਜਦੇ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਹਨਸ਼ਾਮੀਆਂ ਗੁਲ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਵਕਤ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣਾ ਜ਼ਾਕਰ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੈਯਦ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਤੇ ਲਵਾ ਰਹਾਂ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕਰ ਬਲਾ ਲੈ ਜਾ ਇਤਨਾ ਸੋਚ ਬਿਰਾ ਪਿਆਲਾ ਦਾ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਪਈ ਵੇਦੀ ਆਈ ਪਿਉ ਪਿਆਲਾ ਦਾ ਆਈ ਤਾਂ ਧੀ ਪਈ ਵੇਦੀ ਆਈ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੇਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਵੈਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 5ਵੀਂ ਅਸਤੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਆਏ 70 ਕਦਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ
बिस्मिल्लाह। सर काट